हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है एंड आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा स्वेट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से मैंने फैन ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं फैन चला के वीडियो करूंगी तो बहुत ज्यादा नॉइज जो होता है वीडियो में आ जाते हैं एंड आई डोंट लाइक इट बेसिकली। सो दैट्स वाई मैंने फैन को ऑफ करके वीडियो कर रही हूँ। और हाँ, आज मैं जा रही हूँ रिव्यू करने बेला पोस्टे की लिक्विड मैट लिपस्टिक्स की, और मेरे पास है टोटल 8 शेड्स एंड मैं आप लोगों को नीचे जो स्वाच की टाइम है वो मैं मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन डायरेक्टली जंप टू द स्वाचेस। बट मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग स्वाच देखिए, पूरा रिव्यू देखने के बाद, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को कलर देखने के बाद पसंद आ जाता है और हम लोग वो खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, लेकिन बाद में रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि कभी लगता है कि ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा ड्राई है, किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा शाइनी है। सो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले अच्छे से रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जब भी मन करे आप लोग स्वाच देखिए। एंड यस, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं एक्चुअली बेला पोस्टे की बहुत बड़ी फैन हूँ। एक्चुअली मुझे ये जो लिपस्टिक्स है, मुझे ग्लैमिगो बॉक्स में पहले मिला था एक लिपस्टिक, एंड उसके बाद मैं उसको यूज करने के बाद मुझे ये इतना ज्यादा पसंद आ गया, तो मैंने इसका टोटल और 7 शेड्स परचेस किया है। एंड मैंने हर एक शेड पर्पल की वेबसाइट से परचेस की है, वहां पे आपको डिस्काउंट में ये जो लिपस्टिक से मिलेगा, एंड आपको ये नायका में भी मिलेगा या फिर बेला पोस्टे की जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहां पे भी मिलेगा। बट नायका में इसके ऊपर सेल नहीं रहता है, पर्पल में आपको हमेशा डिस्काउंट में मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है आई गेस 499 रुपीज है, लेकिन मैंने ये हर एक लिपस्टिक को 209 रुपीज में परचेस किया है। ये जो लिपस्टिक्स है बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है गाइस, मैं इसको कह सकती हूँ कि ये शुगर स्मच मी नॉट से भी ज्यादा पिगमेंटेड है। एंड करेंटली आई एम वेयरिंग 1 शेड ऑफ दिस लिपस्टिक एंड यू कैन सी द पिगमेंटेशन इज रियली गुड। हाँ, ये लिपस्टिक ड्राई थोड़ा बहुत हो जाते हैं अगर मैं शुगर के साथ इसका कंपेयर करूंगी, तो डेफिनेटली ये शुगर लिपस्टिक की तरह ही ड्राई होते हैं, लेकिन आई डोंट माइंड फॉर दैट, बिकॉज मैं अपने लिप्स को हर एक दिन अच्छी तरह से केयर करती हूँ, अच्छी तरह से स्क्रब करती हूँ, मॉइस्चराइज करती हूँ, सो दैट्स वाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है अगर लिपस्टिक जितना भी ड्राई हो। एंड पर्सनली आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ लिपस्टिक विच हैज टोटली फुल्ली मैट फॉर्मूला। तो ये भी ऐसा ही लिपस्टिक है, ये आपको 1 स्ट्रोक में पूरा मतलब ओपेक फिनिश मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा पिगमेंटेशन मैंने आज तक अभी भी कोई भी लिपस्टिक में नहीं देखी हूँ, ऊपर से इतना ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, सो डेफिनेटली आई एम रिकमेंडिंग यू दिस लिपस्टिक। सो यस, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पैकेजिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो पैकेजिंग है, सो इट्स कम्स लाइक दिस पैकेजिंग, बेला पोस्टे की जो नॉर्मल पैकेजिंग होती है सिल्वर में वैसा ही काइंड ऑफ पैकेजिंग है। एंड इसके पीछे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक्सपायरी डेट कितना है, जो नेम है एंड जो बार कोड भी है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और इसमें आपको मिलेगा 3.7 ml की प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे है पीछे एक्सपायरी डेट दिया हुआ है, सो यू कैन यूज इट अप टू 2021। सो अभी 2019 चल रहा है, मतलब 2 साल का आपको शेल्फ लाइफ मिलेगा। एंड यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कि इट हैज सिल्की स्मूथ एंड लाइट विथ टेक्सचर, फुल कवरेज विथ प्योर मैट फिनिश, लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसफर प्रूफ, विटामिन ई फॉर मॉइस्चराइजिंग लिप्स, एक्सलेंट कवरेज एंड इंटेंस कलर पे ऑफ, 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन, परफेक्ट एडहेशन, कलर डज नॉट ब्लीड ऑन लिप्स, एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड अप्रूव। सो येस गाइज, इट इज डेफिनेटली नॉन ट्रांसफर, डेफिनेटली स्मच प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, बट हाँ, अगर आप ज्यादा कुछ ऑयली खाओगे देन डेफिनेटली ये थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा, जैसे कि शुगर की स्मच मी नॉट की लिक्विड लिपस्टिक है, बिल्कुल सेम है इसका फॉर्मूला, बट आई फील कि इसका फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि शुगर का जो लिपस्टिक है कुछ ऑयली खाने से वो कैसा होता है कि मतलब यू नो मिडिल ऑफ द लिप्स से वो थोड़ा थोड़ा करके ब्लीड होता है एंड थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है, एंड दैट लुक्स रियली यू नो बैड। एंड मैं बहुत बड़ी फैन हूँ शुगर की लिपस्टिक की, बट मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं कि कुछ ऑयली खाने के बाद वो मिडिल से निकल जाता है। इसमें मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया, ये जो होता है ऑयली खाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके फेड ऑफ हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल लिपस्टिक्स होते हैं, सो आई रियली लव दैट। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ है, और मैं बहुत ज्यादा स्वेट कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, मतलब पसीना भी हो गया है, लेकिन फिर भी ये वाटरप्रूफ भी है, थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है मेरी जगह से। एंड मैं आपको एक शेड की जो थोड़ा सा मेरे हैंड में अप्लाई करके दिखा दूंगी, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं इसका जो इनर पैकेजिंग है। सो द लिपस्टिक लुक्स लाइक दिस, आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 8 शेड्स है। एंड जो इसका जो पैकेजिंग है ये डेफिनेटली ग्लास पैकेजिंग है, सो कैन यू दैट
सी द शेड फ्रॉम आउटसाइड एंड इसका जो बाहर का पैकेजिंग है इसमें भी शेड का नेम लिखा रहता है एंड इसका जो इनर पैकेजिंग है मतलब जो लिपस्टिक है इसमें भी शेड का नेम दिया हुआ रहता है एंड नॉर्मल जैसे प्लास्टिक की पैकेजिंग होता है लिक्विड लिपस्टिक का बिल्कुल वैसा है, लेकिन हाँ आपको शेड बाहर से दिखने को मिल जाएगा एंड इट्स रियली गुड थिंग। और इसका जो एप्लीकेटर है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब आप अपने लिप्स जो है वो अच्छी तरह से प्रिसाइसली लिप्स को आउटलाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका एप्लीकेटर। सो ये बहुत ही ज्यादा शार्प है, आप देख सकते हो इसका जो पॉइंटेड एप्लीकेटर है बहुत ही ज्यादा शार्प है, सो दैट यू कैन डेफिनेटली आउटलाइन योर लिप्स वेरी प्रिसाइसली। और जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन गाइज, ये इसका वन स्ट्रोक पिगमेंटेशन है एंड मैं क्या बताऊँ इसके पिगमेंटेशन के बारे में, जितना भी बताऊँ उतना ही कम है गाइस। मैं ऐसा लिपस्टिक, ऐसा लिक्विड लिपस्टिक बहुत कम देखी हूँ एंड यस, अगर इसका स्टेइंग पावर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 5 to 5.5 hours तक रह जाते हैं। आप चाय कॉफी कितना भी पियो डजेंट मैटर, ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर आप ऑयली ज्यादा कुछ खाओगे, मतलब बहुत ज्यादा ऑयली खाओगे तो ये फेड ऑफ थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं। बट डेफिनेटली आई कैन से कि इतना कम प्राइस में, हाँ अगर डिस्काउंट में नहीं मिलेगा तो प्राइस रेंज नॉर्मल है, बट डिस्काउंट में पर्पल में आपको हमेशा मिल जाएगा। 194 में कभी मिलता है, कभी 209 रुपीज में मिलता है। तो अगर आप इसको इतना कम पैसों में इसको परचेस करोगे देन डेफिनेटली इट्स अ गुड लिपस्टिक एंड बेलाफोस्ट ब्रांड इज ऑल्सो अ वेल नोन ब्रांड, आपको तो पता ही होगा शायद। इसका नेल पेंट भी और काजल बहुत कुछ मैं यूज की हूँ, सो डेफिनेटली आई एम रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी द स्वॉचेस। सो गाइज दिस वीडियो विल बी अ वॉइस ओवर वीडियो, क्योंकि मैं शेड के साथ साथ नीचे में स्किन टोन भी मेंशन करूंगी, आई मीन मैं बोलूंगी ताकि आप लोगों को और भी इजी लगे। सो द फर्स्ट शेड इज इलेक्ट्रिक रेड, आप देख सकते हो जो मेरे लिप्स में है एंड इट इज अ ब्लू टोन रेड शेड विच विल सुटेबल फॉर ईच एंड एवरी कम्प्लेक्शन, ईच एंड एवरी स्किन टोन। एंड ये जो शेड है, ये जो रेड शेड है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइटर रेड नहीं है, नॉर्मल जैसे रेड शेड होता है बिल्कुल वैसा टाइप ऑफ है। सो यू कैन डेफिनेटली वेयर इट ऑन डे एंड नाइट बोथ टाइम। एंड मैं जो शेड दिखा रही हूँ आपको, मैं अकॉर्डिंगली सेम शेड्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड सो दैट यू कैन डेफिनेटली परचेस इट एंड इट विल बी अ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। सो द नेक्स्ट शेड इज मॉव न्यूट शेड एंड इट्स रियली रियली प्रिटी शेड गाइज एंड दिस शेड विल सूट फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन। लेकिन हाँ जिन लोगों का डस्की या फिर डीपर स्किन टोन है, मैं उन लोगों के लिए ये शेड रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उन लोगों को ये शेड वॉश आउट हो सकती है। बट अप टू माई स्किन टोन और वन शेड डार्कर देन माई स्किन टोन गर्ल्स कैन डेफिनेटली वेयर दिस। बहुत ही प्रिटी पिंक काइंड ऑफ शेड है ये, न्यूट पीच पिंक काइंड ऑफ शेड है एंड यस इट लुक्स सो प्रिटी। द नेक्स्ट शेड इज फंकी फायर एंड इट्स अ प्योर ऑरेंज काइंड ऑफ शेड, बट दो इट्स लुक्स अ नियॉन ऑरेंज इन कैमरा, बट एक्चुअली दिस शेड इज क्वाइट वेयरेबल। ये बिल्कुल नियॉन ऑरेंज काइंड ऑफ शेड नहीं है, ये थोड़ा सा डीप ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है जो कि बहुत ही वेयरेबल काइंड ऑफ शेड है एंड डेफिनेटली फॉर समर आई रियली प्रेफर दिस काइंड ऑफ शेड। एंड ये जो शेड है अगेन, ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा एंड डीपर स्किन टोन के लिए ये शायद वॉश आउट हो सकता है, बट आई रियली प्रेफर दिस काइंड ऑफ शेड इन समर। So the next shade is my favorite shade in this entire collection and this शेड इज़ नेम एज नेकेड एंड आप लोगों ने शायद इस शेड के बारे में सुना होगा, ये बहुत ही फेमस शेड है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड दिस इज़ अ परफेक्ट न्यूड फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन गर्ल्स। फॉर डस्की स्किन टोन यू कैन वर्क इट विथ अ गुड लिप लाइनर, बट दिस इज़ अ परफेक्ट पीच पिंक न्यूड शेड विथ अ ब्राउन अंडरटोन एंड ये मेरे स्किन टोन के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट न्यूड लग रहा है। आई रियली लव दिस शेड। The next shade is named as Gothi Plum. Again, it is a really bright and beautiful shade. And this shade is again, going for all skin tone, suitable for all complexion. And this kind of shade will just brighten up your skin tone instantly. आप देख सकते हो बहुत ही bright लग रहा है ये शेड एंड दिस शेड इज क्वाइट सिमिलर विथ शुगर स्मच मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड वाइन एंड शाइन एंड पर्सनली आई प्रेफर दिस फॉर्मूला much better and you can see it's totally transfer proof. The next shade is again one of my favorite shade in this collection and
ये जो शेड है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस शेड है सीनेमन, एंड दिस शेड विल अगेन सूट फॉर ईच एंड एवरी स्किन टोन, एंड जो लोग डस्की और डिपर स्किन टोन है उन लोगों के लिए परफेक्ट न्यूड शेड होगा, एंड जो लोग फेयर और मीडियम स्किन टोन है उन लोगों के ऊपर ये मॉविश ब्राउनिश न्यूड शेड आएगा. बट आई रियली रियली लव दिस काइंड ऑफ शेड गाइज. इन दिस रेंज आई कैन मस्ट से दैट ईच एंड एवरी शेड इज मतलब जस्ट लाइक एक से बेहतर एक शेड है. मैं क्या मतलब सिलेक्ट करूँ आई रियली डोंट नो. नेक्स्ट शेड इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट शेड, नेम एज रोज पॉप, एंड यू कैन सी अगेन दिस शेड इज़ ब्राइटन अप माई स्किन इंस्टेंटली. एंड ये जो शेड है डेफिनेटली ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के ऊपर बहुत ही अच्छे से सूट करेगा, लेकिन जो डस्की स्किन टोन है उन लोगों के ऊपर भी ये उतना ज़्यादा वॉश आउट नहीं होगा. एंड दिस शेड इज़ क्वाइट सिमिलर विथ मेबलिन लिप ग्रेडेशन इन द शेड पिंक टू. बहुत ही ज़्यादा ब्राइट पिंक काइंड ऑफ शेड है, नियॉन पिंक नहीं है, फूशिया पिंक भी नहीं है, मैं इसको ब्राइट पिंक ही कह सकती हूँ. बहुत ही अच्छा शेड है. एंड द लास्ट शेड इज़ डेफिनेटली माई वन ऑफ माई अगेन फेवरेट शेड इज़ वाइल्ड चाइल्ड. एंड इफ यू आर सर्चिंग अ रियल ड्यूप ऑफ मैक रूबियो देन येस दिस शेड इज़ फॉर यू. अगर आपको एक बहुत ही मतलब प्योर रेड शेड चाहिए जो कि बिल्कुल फायरी रेड काइंड ऑफ शेड है, देन दिस इज़ द शेड फॉर यू. इफ़ यू आर अ ब्राइट और अ वुड बी ब्राइट, डेफिनेटली दिस शेड इज़ गोइंग फॉर यू. और ये पार्टी लुक के लिए, नाइट लुक, वेडिंग सीजन लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आई जस्ट लव दिस शेड. सो गाइज, यू हैव ऑलरेडी सीन द स्वचेस, एंड मैं आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूंगी. सो डेफिनेटली यू शुड एटलीस्ट परचेज वन शेड. एंड द शेड विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज माई फेवरेट शेड इन दिस एंटायर कलेक्शन इज द शेड नेम नेकेड, एंड दिस इज द शेड मैं आपको दिखा देती हूँ. सो येस, दिस इज अ शेड. ये बहुत ही परफेक्ट पीची न्यूट काइंड ऑफ शेड है फॉर माई स्किन टोन. एंड येस, दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो. एंड मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले NYB की लिक्विड लिपस्टिक की भी रिव्यू की थी, तो अगर आपको वो रिव्यू भी चेकआउट करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी. यू कैन डेफिनेटली चेकआउट द वीडियो. एंड इफ यू लाइक माई टूडेज वीडियो, प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट्स टोटली फ्री. सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव. And bye.